أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم के तुझे या गौहर अपने मन में बिठा के तुझे या गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ गौहर गौहर करूँ मैं गौहर गौहर करूँ यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ गौहर गौहर करूँ मैं गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ जलवा रहे अब यूं ही सामने तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने तेरा जलवा रहे अब यूं ही सामने तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने ऐसे दर्शन करूं ऐसे दर्शन करूं मैं तेरे दर्शन करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर गौहर करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर गौहर करूं यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर 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 करूं मैं गौहर गौहर करूं कोई साहब सरकार शाह साहब की जात के बारे में सरकार की तसानीफ के बारे में सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं लिखकर सवाल भेज दीजिए। शाह साहब एक साहब ने एक सवाल भी किया था अभी उन्होंने कहा था शाह साहब से पूछना ये है कि यहाँ और भी पीर उज़ाम आते हैं और हमने मशाइख उज़ाम के स्टेज में शिरकत की है किसी ने इतना ज़ोर दिल पर नहीं दिया क्या वजह है कि आप दिल ही की गुफ्तगू ज़्यादातर फरमाते हैं और दीगर गुफ्तगू से गुरेज नहीं मेरा मकसद है तो जो जिस किसी की ड्यूटी होती है वही काम करता है ना किसी को जुबान के ऊपर लगा दिया किसी को दिल के ऊपर लगा दिया किसी को जुबान और दिल दोनों पे लगा दिया तो हम अगर दिल की बात करते हैं तो ये कोई गलत बात तो नहीं है बल्कि हजूर पाक तो फरमाते हैं तुम्हारे अंदर एक लोथड़ा है अगर उसकी इसलाह हो जाए तो सारे जिस्म की इसलाह हो जाती है अगर वो बेकार है तुम्हारे सारे अमल ही बेकार है ये जो दिल की बात है ये तो जिक्र अल्लाह है ये तुम्हारी पहली सुन्नत है जब मुसलमान होते थे मुसलमान हो गए नमाजें तो थी नहीं क्या करते थे नमाजें तो 9-10 साल के बाद उतरी शबे मेराज बाद में हुआ वो पहले मुसलमान क्या करते थे हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते जिक्र अल्लाह से उनके सीने मुनव्वर हो गए जब सीने मुनव्वर हो गए तो फिर 9 साल बाद नमाजें उतरी फिर वो नमाजें हल्कों में नहीं अटकी वो सीधी सीनों में गई तुम्हारा पहला रुकन है पहला रुकन कलमा है और कलमा क्या है हदीस शरीफ है अफजल जिक्र कलमा तैयब जिक्र है और जिक्र के लिए कुरान मजीद में हुक्म है उठते बैठते हत्ता करवटे लेता मेरा जिक्र कर तो वो तब भी उठते बैठते होगा ना जब तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह में लगेगा तो ठीक है कुछ लोग संतों का प्रचार करते हैं हम उसके मनअरफ नहीं है कुछ नमाज का प्रचार करते हैं हम उसके भी मनअरफ नहीं है लेकिन दिल का प्रचार कोई नहीं करता ना तो दिल का भी प्रचार लाजमी है जो सबकी बुनियाद दिल है और दिल जो है ये बुनियाद है और तुम बुनियाद छोड़ के मकान बनाते हो और गिरते हैं कि देवबंदी हो जाता है कुंभरदेही हो जाता है और ये
یقین کرو تم اگر اس دل کی بنیاد کے اوپر تم سیدھی دیوار بناؤ تو نہ دیو بندی تو نہ مرضی تو نہ سنی امتی ہوں تمہارا یار تم کبھی نہ بہک جاؤ